नमस्कार, स्वागत है आपका विन कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके साथ नरेश गढ़वाल। आज का अपना टॉपिक है वेल्थ पॉलिसी। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा ट्राइजेनियल न्यूरलजिया, वो भी क्या है, एक क्रैनियल नर्व का डिसऑर्डर है। और सेकंड डिसऑर्डर आज पढ़ने जा रहे हैं क्रैनियल नर्व से ही रिलेटेड है, उसका नाम है वेल्थ पॉलिसी। स्टूडेंट्स, इसका अनदर नेम है फेशियल पैरालिसिस। ठीक है, ये किसका नेम है, अनदर नेम बेल्स पाल्सी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, फेशियल पैरालिसिस। अपन बात करें कि बेल्स पाल्सी में ऐसा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें बेल्स पाल्सी के अंदर कौन सी नर्व इफेक्ट होती है, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व कैसी नर्व है, सेवन क्रेनियल नर्व। ठीक है, कैसी नर्व है, सेवन क्रेनियल नर्व। ये नेचर इसका कैसा रहेगा, मिक्स्ड नेचर, मिक्स्ड। फेशियल नर्व इसका नेचर है मिक्स्ड, और सेवंथ नंबर की क्रेनियल नर्व इफेक्ट जब होती है उसके कारण होता है स्टूडेंट्स बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस, पैरालिसिस, पैरालिसिस इट मींस ड्रूपिंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट ऑफ फेस। इसमें साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, इनएबिलिटी टू क्लोज आई लिड्स, पेशेंट आईज को क्लोज नहीं कर पाएगा। इनएबिलिटी टू क्लोज आई लिड्स, क्योंकि यहाँ की जो स्केलेटल मसल्स है वहाँ पर क्या है, वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है पेशेंट का। ठीक है, उस वजह से पेशेंट क्लोज नहीं कर पाएगा आई। ठीक है, फिर अपन स्टार्टिंग में बात करें कि ये फेशियल नर्व है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये पोन्स से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से, फेशियल नर्व का पोन्स के यहाँ से। ठीक है, पोन्स के यहाँ, वहाँ पे कौन सा न्यूक्लिया, पोन्टो मेडुलरी जंक्शन न्यूक्लिया, एक न्यूक्लिया का नाम है स्टूडेंट्स पोन्टो मेडुलरी जंक्शन न्यूक्लिया। इट्स प्रेजेंट ऑन पोन्स, फ्रॉम पोन्स फेशियल नर्व्स ओरिजिनेट एंड सप्लाई ऑन फेशियल पार्ट। ठीक है, और ये क्रेनियम कैविटी से एग्जिट होती है। तो कौन सा पार्ट है जहाँ से क्रेनियम नर्व से एग्जिट, क्रेनियल कैविटी से एग्जिट होती है और फेस के यहाँ पे सप्लाई होती है, तो उस एग्जिट पोर्ट का नाम है स्टूडेंट स्टाइलोमेस्टोइड फोरामिना। ऐसा कौन सा फोरामिना है जिसके थ्रू फेशियल नर्व क्रेनियल कैविटी से निकल के एग्जिट होके कहाँ सप्लाई होती है, फेशियल पे, फेशियल रीजन पे सप्लाई होती है। उस एग्जिट पोर्ट का नाम बताओ जहाँ से फेशियल नर्व ओरिजिनेट होगी और वहाँ से एग्जिट होके कहाँ पे होगी, वो फेस पे आएगी। तो एग्जिट पोर्ट होता है, एग्जिट यानी जहाँ से निकलती है क्रेनियम कैविटी के बाहर आती है, तो उसको बोलते हैं स्टाइलोमेस्टोइड फोरामिना। फिर से वे और पार्ट थ्रू बाय एग्जिट द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व सेवंथ होती है, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है। ठीक है, इसके ब्रांचेस होते हैं स्टूडेंट फाइव ब्रांच। फेशियल नर्व में भी फाइव आ रहा है स्टार्टिंग में, एफ आ रहा है, और इसकी ब्रांच भी कितनी है स्टूडेंट, फाइव ब्रांचेस हैं इसकी। अपन देखें, फर्स्ट बात करें टेम्पोरल। ठीक है, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा अपन ने स्टूडेंट स्टार्टिंग में, टेम्पोरल। टेम्पोरल इज ए ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। सेकेंड है जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक फर्स्ट है टेम्पोरल। थर्ड है बक्कल। फोर्थ मार्जिनल मैंडिबुलर और फिर सर्वाइकल। आपको इस तरह से ये याद नहीं होंगी मसल्स की कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई हो रही है, कौन सी नर्व, फेशियल नर्व। ठीक है, इसकी फाइव ब्रांचेस हैं, इन फाइव ब्रांचेस को आपको याद रखना है, इसलिए इसका एक न्यूमोनिक है, वो क्या है, टेन जेब्रा बिट माई काउ। इट मीन्स टेन जेब्राज हैं जो कि मेरे काउ को क्या कर रहे हैं, बिट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो टेम्पोरल, टी फॉर टेम्पोरल, जेड फॉर जाइगोमेटिक, फिर देन बी बकल एंड एम मतलब मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। ये क्या है, ब्रांचेस है किसकी, फेशियल नर्व की ब्रांचेस है। इसको याद करने का न्यूमोनिक है टेन, टी फॉर टेम्पोरल, जेड जेब्रा जाइगोमेटिक, टेन जेब्रा बिट, बिट यानी बकल, और बिट माई, माई में एम आ रहा है तो मार्जिनल मैंडिबुलर, माई काउ, काउ में सी आता है और सर्वाइकल में भी सी आ रहा है। तो ये क्या है, फाइव ब्रांचेस हैं,
किसकी है? फेशियल नर्व की। इसको याद करने का न्यूमोनिक से आपके लिए इजी वे में याद कर सकते हो कि 10 जेब्रास बिट माय काउ, कि मेरी काउ को 10 जेब्रास क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, ठीक है। 10 जेब्रास बाइट माय काउ, ये क्या है? फाइव ब्रांचेस है, फेशियल नर्व की फाइव ब्रांचेस है। अपन ने पढ़ा इसका ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है, बोन्स वाले रीजन से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है। फिर वो ट्रेनिंग कैविटी से बाहर निकलेगी, एग्जिट होगी, तो उसका उस फोरामिना का क्या नाम है? स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामिना। स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलता है? आई लिड्स क्या नहीं हो पाती? क्लोज नहीं हो पाती। आई लिड्स क्या होती है? ओपन रहती है। इस वजह से नर्सिंग केयर क्या है इसमें? आई केयर। इसलिए नर्सिंग केयर आई केयर, अपने को आई केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें अपने को ध्यान रखना है। और ड्रोपिंग ऑफ द माउथ, माउथ का ड्रोपिंग, एक साइड क्या हो जाता है? लटक जाता है। फेशियल ड्रोपिंग देखने को मिलता है। जो अफेक्टेड पार्ट है, अफेक्टेड पार्ट है, उसके अंदर क्या नहीं होगा? ना तो स्माइल शो होगा, ठीक है, ना उस पार्ट में वो एयर को कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। इस साइड से च्यूइंग भी इफेक्टेड हो जाएगी, वो मेस्टिकेशन नहीं कर पाएगा और एयर को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, सीटी नहीं बजा पाएगा, विस्लिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर की जो साइड की, जिस साइड का जो इफेक्टेड पार्ट है, यदि उस साइड से कोई भी एक्टिविटी करेंगे वो हंस नहीं पाएगा, इधर स्माइल भी शो नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें उसकी इफेक्टेड हो जाएगी, स्माइल नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्माइल मसल किसको बोला जाता है स्टूडेंट? जाइगोमेटिक मसल को क्या बोला जाता है? स्माइल मसल, जाइगोमेटिक मेजर, ठीक है। यहाँ वाले इस पार्ट में होती है जाइगोमेटिक मेजर, उसकी वजह से क्या होता है? अपना स्माइल कर पाते हैं, स्माइलिंग, ठीक है। तो उसके लिए स्माइलिंग के लिए जाइगोमेटिक बोन मसल होती है, ठीक है, बोन के ऊपर मसल होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्माइल के लिए। इसी तरह बुसिनेटर मसल होती है, वो अपने को विस्लिंग में हेल्प करती है स्टूडेंट। और ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये आपका लिप्स है, इसके चारों तरफ स्टूडेंट एक मसल होती है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, इसको बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस। और यहीं पे पास में होती है बुसिनेटर मसल्स। तो बुसिनेटर मसल्स और ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स इसमें इफेक्ट हो जाएगी, इस वजह से पेशेंट विस्लिंग नहीं कर पाएगा, सीटी नहीं बजा पाएगा, ठीक है, सीटी नहीं बजा पाएगा और आंख भी नहीं भर पाएगा, आईलिड को क्लोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ना तो लड़की को देख के आग मार पाएगा बंदा, ना विसल बजा पाएगा, तो ये काम उसका बंद हो जाएगा, ठीक है। आपने गाना सुना होगा स्टूडेंट्स, लड़की आंख मारे तो वो इसमें नहीं कर पाएगा पेशेंट। फिर नेक्स्ट अपन बात करें ट्राई बेल्स पाल्सी का, कि बेल्स पाल्सी का कोज क्या है, ऐसे कौन से कोजेस हैं बेल्स पाल्सी के जिससे बेल्स पाल्सी देखने को मिलता है, कोजेस। सबसे पहले कोजेस की बात करें तो वायरल, ठीक है, वायरल कोज क्या है इसका? पॉजिटिव एजेंट है बेल्स पाल्सी का। इसके अंदर बात करें वायरल के अंदर भी एचएसवी टाइप फर्स्ट, जो एचएसवी टाइप फर्स्ट है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोल्ड सोर। अपने माउथ के चारों तरफ इफेक्ट करता है ये। यदि एचएसवी हो जाएगा, फेशियल रीजन पे होता है एचएसवी फर्स्ट, और एचएसवी सेकंड होता है जेनिटल एरिया पे, ठीक है। तो अपन बात करें एचएसवी फर्स्ट क्या करता है, जो अपनी ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स है अपनी माउथ के सराउंडिंग, उनको इफेक्ट करेगा। यदि इसका ट्रीटमेंट सही नहीं लेगी, एसाइक्लोविर क्या इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है एचएसवी के अंदर, यदि उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं लेगा जो भी पर्सन, तो उसके अंदर क्या ये इफेक्ट हो जाएगी मसल्स, ठीक है। फिर बात करें ये क्या है, ऑटो इम्यून कोज है, अपने आप भी हो सकता है और एंटीबॉडी बन सकती है, ठीक है, ट्रोमा की वजह से, या फिर आपके कोई फेशियल इंजरी भी है, फेशियल इंजरी में आपके क्या हो सकता है, यहाँ पे फेशियल ब्रांचेज है, मैंने बताई आपको न्यूमोनिक्स बताई, 10 जेब्रास बिट माय काउ, टी मतलब टेम्पोरल, बी मतलब बक्कल, 10 जेब्रास बिट, 10 जेब्रास जेड मतलब जाइगोमेटिक, बी यानी बक्कल, एम और मैंडिबुलर मार्जिनल मैंडिबुलर, और कट माय सी यानी काउ, काउ मीन्स अपन ने पढ़ा इसमें सर्वाइकल, तो 10 जेब्रास बिट माय काउ, ठीक है। ये क्या है, फाइव ब्रांचेस है, यदि इन फाइव ब्रांचेस पे किसी भी प्रकार का ट्रॉमा हो जाता है तो उस वजह से क्या देखने को मिल सकता है, बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस। फिर इसके बाद में अपन फोर्थ बात करें पॉजिटिव एजेंट ट्यूमर की वजह से, या फिर ये ब्रांचेस इस तरह से यहाँ पे कोई ट्यूमर हो जाए तो उस वजह से ट्यूमर की कंप्रेशन की वजह से उनके अंदर नर्व का कंडक्शन नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। फिर देखा जाए हेमरेज हो सकता है उस जगह पे, कोई ब्लड क्लट हो जाए यहाँ पे,
उस वजह से भी क्या हो सकता है, नर्व का ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा फेशियल रीजन पे। फिर नेक्स्ट बात करें अपन इडियोपैथिक कॉजेस। इडियोपैथिक कॉज मतलब अननोन कॉज। कुछ समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि कॉज पता ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक कॉजेस। फिर नेक्स्ट बात करें 10-40% पेशेंट के अंदर, 10-40% पेशेंट के अंदर ये देखा जाता है कि जिनके अंदर ये बेल्स पाल्सी है उनके अंदर क्या देखा गया, उनके अंदर हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज वाली कंडीशन भी है। मोस्टली जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज के पेशेंट है उनके अंदर बेल्स पाल्सी और फेशियल पैरालिसिस होने के चांसेस है, क्योंकि बिकॉज उनके अंदर सोर्बिटल का क्या होता है, सोर्बिटोल का कलेक्शन हो जाता है। इस वजह से जो भी 10-14% पेशेंट हैं जिनके अंदर हाइपरटेंशन और डायबिटीज है उनके अंदर देखा गया कि उनके अंदर बेल्स पाल्सी और फेशियल पैरालिसिस का अपने एविडेंस देखा। ठीक है, तो ये अपने बात करिए इसके पॉजिटिव एजेंट है वायरल, ऑटोइम्यून कॉजेस, ट्रॉमा, ट्यूमर, हेमरेजेस, ऑडियोपैथिक कॉजेस और 10-40% ऐसे पेशेंट जिनके हाइपरटेंशन और डायबिटीज है उनके अंदर सोर्बिटोल का कलेक्शन हो जाता है जिस वजह से उनके अंदर बेल्स पाल्सी देखा गया। फिर बात करें अपने कॉज पढ़ा इसके, अब अपने को पढ़ना है साइन सिम्टम पढ़ना है स्टूडेंट्स। अपने को बहुत ही इंटरेस्टिंग है साइन सिम्टम क्या है, आपको रटना नहीं है बिल्कुल, इसका भी आपके सामने एक न्यूमोनिक है। क्या है बेल्स, आपने पढ़ा बेल्स पाल्सी का, आपको साइन सिम्टम अलग से याद नहीं करने हैं। जिस तरह से आपने 5 ब्रांचेस पढ़ी फेशियल नर्व की विद न्यूमोनिस की 10 जेब्रास बिट बाइट माय काउ, उसी तरह बेल्स नाम के अंदर ही क्या है इसके साइन सिम्टम है स्टूडेंट्स, आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो नीड टू एक्स्ट्रा मेमोराइज। तो बेल्स के अंदर क्या होता है, बी मीन्स ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा एबनॉर्मल। ब्लिंकिंग मैंने बताया, आईलिड क्या होगा क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है, इनएबिलिटी टू क्लोज आई, इस वजह से आई खुली रहेगी, उस वजह से क्या हो सकता है कॉर्निया को इंजरी हो सकता है पेशेंट को। तो अपने को क्या करना है, आई पैचेस लगाने, और जब भी ऐसा कोई काम हो धूल हो स्ट्रोम आए उस समय आई को पैचेस लगाना है, बंद करना है, क्लोज करना है, कपड़ा लगा देना है और आई ड्रॉप आई केयर करनी है। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट होगा आई केयर, इसके बेस पे कि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स पेशेंट के अंदर एब्सेंट है। और सेकंड बेल्स में बी आ रहा है, बी ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई मीन्स ईयर एक, उसके कान में दर्द होगा, उसके ईयर में पेन होगा। ठीक है, पेन होगा ईयर के अंदर। फिर बात करें एल, एल मीन्स लैक्रिमेशन एब्सेंट। जो टीयर होते हैं आंसू होते हैं पेशेंट के आईज में, आईज से क्या होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, वहां से क्या होता है लैक्रिमेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन टीयर। तो टीयर क्या हो जाएंगे एब्सेंट हो जाएंगे पेशेंट के अंदर। ठीक है, फिर बात करें अपन लॉस ऑफ टेस्ट। लॉस ऑफ टेस्ट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, इसको लॉस ऑफ टेस्ट को अपन बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी है लॉस ऑफ टेस्ट की, एगुशिया, एगुशिया इट मीन्स लॉस ऑफ टेस्ट। यदि किसी पेशेंट को टेस्ट नहीं आए, स्वाद नहीं आए, तो चख के देखते हैं। ठीक है, वो भी कौन सा इफेक्ट होता है, टू थर्ड एंटीरियर थ्रू टू थर्ड जो पार्ट है टंग का, एंटीरियर टू थर्ड, ठीक है ये आपकी टंग है, इस तरह से इसका जो टू थर्ड पार्ट है एंटीरियर, ये इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे फिलिफॉर्म पेपिले होते हैं स्टूडेंट्स, कौन से पेपिले होते हैं, फिलिफॉर्म पेपिले होते हैं एंटीरियर पार्ट में, फिलिफॉर्म पेपिले। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ से स्वीट का पता चलता है, अपने को मिठास आता है, वो कहाँ से होता है, फिलिफॉर्म पेपिलीज होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टंग के एंटीरियर टू थर्ड पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं फिलिफॉर्म। ये क्या है, टेस्ट बड्स है। फिलिफॉर्म क्या है, एक टेस्ट बड है जो कि टंग के एंटीरियर पार्ट पे पाया जाता है। ठीक है, ये स्माली नंबर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये स्वीट अपने को मिठास का पता करता है, टेस्ट स्वीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं एगुशिया। ठीक है, तो बेल्स के अंदर अपने दूसरे सेकंड एल का एल मीन्स पढ़ा, क्या पढ़ा, लॉस ऑफ टेस्ट। फिर देखें एक इसमें लिखा हुआ है एस, उसका मतलब क्या है, एस लिखा हुआ है लास्ट में, बेल्स के अंदर ऐसा आता है तो सडन ऑनसेट, ये एक्यूट कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन नहीं है स्टूडेंट्स, ये कैसी कंडीशन है, बेल्स पाल्सी एक्यूट कंडीशन है, सडन ऑनसेट देखने को मिलता है।
तो इसके अंदर एस का मतलब है सडन ऑनसेट, तो आपने याद कर लिया, ठीक है। एक तो बेल्स के अंदर बी मतलब ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स अब्सेंट, बेल्स के अंदर फिर ई आ रहा है, इट मींस ईयर ए, उसके ईयर के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, पेन होगा, और एल मतलब लैक्रिमिनेशंस अब्सेंट, और फिर फोर्थ है एल मींस लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, डिस्ल्यूसिया, एग्यूसिया या डिस्ल्यूसिया, डिस्ल्यूसिया मींस एबनॉर्मल टेस्ट, और अब्सेंट हो जाए बिल्कुल ही लॉस ऑफ टेस्ट उसे बोलेंगे एग्यूसिया। और ये एग्यूसिया कहां पे देखने को मिलेगा, जनरली टंग के 2/3 पार्ट पे, वहां पे कौन से पेपिले होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिले होते हैं, उनको टेस्ट बड भी बोला जाता है, ठीक है। वहां पे कौन से स्वीट, स्वीट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मिठास के लिए, ठीक है, अपने मीठे का पता लगता है इंटीरियर 2/3 पार्ट से टंग के। तो आपने ये पढ़े सायंसिंगम, सायंसिंगम और क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, विस्लिंग नहीं कर पाएगा, सीटी नहीं बजा पाएगा, और एयर को कलेक्ट नहीं कर पाएगा इस तरह से। मैंने क्या किया, एयर को कलेक्ट किया, पर एयर को कलेक्ट जिस तरफ से इफेक्टेड पार्ट है उधर से च्यूइंग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्केलेटल मसल नहीं है, तो च्यूइंग करने में क्या होगा, वो उसको प्रॉब्लम आएगी, कर नहीं पाएगा, ड्रॉपिंग हो जाएगा, लटक जाएगा इस तरह से, उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। फिर बात करें एयर को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, वो जब भी उसको कुल्ला करना है खाना खाने के बाद, ठीक है, तो वो फ्लशिंग आउट नहीं कर पाएगा, फ्लश नहीं कर पाएगा अपने माउथ को अच्छे से, ठीक है। तो अपने ओरल केयर भी अपने को करनी है यहाँ पे, जिस तरह से ट्राइजेमिन नेरलजिया में है सेम वही कंडीशन यहाँ पे है। बट जो बेल्स पाल्स में अपने को याद रखना है, बेल्स पाल्स एक फेशियल नर्व है, ये भी क्या है, एक मिक्स नेचर के स्टूडेंट्स, बेल्स पाल्स क्या है, ये भी मैंने क्या बताया आपको, मिक्स नेचर की क्या है, क्रेनियल नर्व है, बेल्स पाल्स मिक्स नेचर की क्रेनियल नर्व, ठीक है, मिक्स्ड है, इट मींस ये मोटार भी है और सेंसरी भी है, ठीक है। बट अपने प्रीवियस क्लास में कंडीशन पढ़ी, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी पढ़ी, उसके अंदर पढ़ा अपने ट्राइजेनियल न्यूरलजिया, उसके अंदर क्या हो रहा था, सेंसरी पोर्शन इफेक्टेड हो रहा था स्टूडेंट्स। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, फेशियल नर्व के अंदर क्या होता है, ओनली मोटार होता है इफेक्टेड, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंस है ट्राइजेनियल न्यूरलजिया और बेल्स पाल्सी के अंदर, मेजर डिफरेंस है क्या है इसके अंदर, बेल्स पाल्सी के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है, मोटार वाला, मोटार से डिपेंड हो रहा है, पेशेंट के पेन नहीं होता है इस साइड, इट मींस उसके सेंसरी में कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इस कंसेप्ट यदि बेल्स पाल्सी है और आप एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को क्या समझना है कि इसके अंदर कौन सा इफेक्ट हो रहा है, मोटार पोर्शन इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक मिक्स नेचर की है फेशियल नर्व 7th नंबर की, इसके अंदर सेंसरी पोर्शन अफेक्टेड नहीं होता है, इसलिए पेशेंट को आप कहीं एनाल्जेसिक दोगे तो उससे कोई इफेक्टेड नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसका पेशेंट का सेंसरी पोर्शन इफेक्टेड नहीं हुआ है, पेशेंट का क्या हो रहा है, मोटार जो उसका फंक्शन है, ठीक है, वो इफेक्टेड हो रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, बेल्स पाल्सी के अंदर मोटार वाला इफेक्ट होता है, सेंसरी पोर्शन किस में होता है, ट्राइजेनियल न्यूरलजिया के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट बात करें अपन इसके, नेक्स्ट आएगा इसकी, अपन ने कॉजेस पढ़े, साइंस सिम्टम पढ़े, अब अपने को पढ़ना है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर पढ़े अपन सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, कि अपन ड्रग्स का यूज करेंगे, ऐसा मैनेजमेंट जिसके अंदर अपन ड्रग्स का यूज करें, तो ड्रग्स के अंदर क्या यूज करेंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यदि यूज करेंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करनी है इसके अंदर, प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं, ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे कि प्रेडनिसोलोन क्या है, इसका एग्जाम्पल है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसके अंदर प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन ये क्या है, एक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जो कि स्टार्टिंग के 48 आवर्स के अंदर यूज करनी है, क्योंकि ये क्या है, एक एक्यूट सडन ऑनसेट अपन ने पढ़ा बेल्स के अंदर, बी मतलब क्या था, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स क्या हो रहे थे इसके अंदर, एबनॉर्मलिटी हो रही थी, ई मतलब बी ई डबल एस ई मतलब ईयर एक, कान में दर्द हो रहा था पेशेंट के, ठीक है, और एक फर्स्ट और बी ई एल, एल का मतलब क्या पढ़ा अपने, लैक्रिमिनेशन अब्सेंट, और फिर एल मींस लॉस ऑफ टेस्ट, तो इस तरह से सडन ऑनसेट है, तो इसलिए सडन ऑनसेट है, तो इट मींस
इसके जो स्टार्टिंग फेज 48 आवर्स है उस दौरान अपन यदि उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे तो उसके एक से दो वीक के अंदर इसको पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, फिर देखा जाए और कौन सा यूज करते हैं। अब यदि अपन पेशेंट के अंदर स्टेरॉइड, यदि पेशेंट के अंदर क्या है डायबिटीज है और हाइपरटेंशन कंडीशन है, फिर उन पेशेंट के अंदर अपने को क्या यूज नहीं करना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज नहीं करने स्टूडेंट्स, जब पेशेंट के क्या हो डायबिटीज हो और हाइपरटेंशन हो। ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन की कंडीशन है उनमें अपने को स्टेरॉइड्स को अवॉइड करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब स्टेरॉइड यूज करने से क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं क्या होता है स्टेरॉइड की वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो भी पोर्शन अपना डाइट का जैसे प्रोटीन हुआ फेट हुआ यदि इनसे भी यदि अपने को ग्लूकोज मिलने लग जाए तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, मेनली ग्लूकोज किससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, यदि प्रोटीन और फैट से भी विटामिन मिनरल इनसे भी यदि ग्लूकोज मिलने लग जाए बनने लग जाए बॉडी के अंदर उसको बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो स्टीरोइड्स यूज करने की वजह से कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस वाली, इस वजह से क्या है बॉडी का ग्लूकोज ज्यादा बनेगा। ठीक है, पहले तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बन रहा था, अब प्रोटीन से भी बनने लगा और फैट से भी बनने लगा, इट मीन्स तिगुना हो जाएगा, थ्री टाइम्स हो जाएगा बॉडी के अंदर ग्लूकोज। तो पहले कंडीशन यदि पेशेंट के अंदर पहले डायबिटीज है तो और कंडीशन उसकी सीवियर हो सकती है। ठीक है, इसलिए स्टेरॉइड्स यूज करना होता है हमेशा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसके अंदर डायबिटीज और हाइपरटेंशन के अंदर। ठीक है, फिर बात करें अनदर क्या यूज करेंगे, एसाइक्लोवीर यूज करेंगे, एसाइक्लोवीर। ठीक है, एसाइक्लोवीर, एसाइक्लोवीर, एसाइक्लोवीर क्या होती है स्टूडेंट्स, एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि किसके अंदर यूज करते हैं अपन, जो भी वायरल प्रॉब्लम्स होती है जैसे हर्पेस सिम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर अपने पॉजिटिव पड़ा एचएसवी पॉजिटिव पड़ा वायरस के अंदर, तो एचएसवी के लिए अपने को क्या यूज करना है स्टूडेंट्स, एसाइक्लोवीर यूज करनी है। तो अपने मेडिकल मैनेजमेंट में अपने टू ड्रग्स की बात किया है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एसाइक्लोवीर जो कि एंटीवायरल है। ठीक है, फिर सेकंड बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करना है अपने को, स्टिमुलेट करना है फेशियल नर्व को, स्टिमुलेशन ऑफ फेशियल नर्व, स्टिमुलेशन, ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, स्टिमुलेशन लिखा हुआ है, स्टिमुलेशन स्टिमुलेट करना है, क्योंकि फेशियल मसल वो क्या ड्रूपिंग हो रखी है उनके अंदर एक्टिविटी नहीं है स्टूडेंट्स, तो ऐसा कुछ करें ऐसा इलेक्ट्रिक करंट दें जो कि जिससे क्या हो जाए एक्टिवेट हो जाए मसल्स के अंदर टोनिसिटी क्रिएट हो जाए, तो मसल के अंदर टोनिसिटी क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे स्टिमुलेशन करेंगे फेशियल नर्व का। ठीक है, ये होता है सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। सेकंड है एनास्टोमोसिस ऑफ फर्स्ट एंड 11th एंड 12th, जो 11th और 12th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है स्टूडेंट्स, 11th और 12th नंबर की कौन सी होती है आपने पढ़ी होगी एसेसरी और हाइपोग्लोसल नर्व, उसको क्या करेंगे एनास्टोमोसिस कर देंगे। ठीक है, यदि 11th और 12th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उनको यदि एनास्टोमोसिस कर दें उससे क्या होगा जो आई बोल है क्लोज द आई बोल एंड इम्प्रूव द फेशियल स्ट्रेंथ, जो फेशियल मसल है उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। एक ऐसा मेथड करते हैं जिसके अंदर 11th नंबर की क्रेनियल नर्व एसेसरी नर्व और 12th नंबर की क्रेनियल नर्व हाइपोग्लोसल, इनको क्या करेंगे कनेक्शन कर देंगे, इनका एनास्टोमोसिस कर देंगे। एनास्टोमोसिस करने की वजह से क्या होगा पेशेंट की आईज क्या हो जाएंगी क्लोज हो जाएंगी और पेशेंट की जो मसल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से अपने बात की मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन ने क्योंकि इसके पॉजिटिव एजेंट क्या है ऑटोइम्यून डिजीज है, तो उनके लिए अपने क्या यूज किया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज किया और वायरस है इसलिए उसके अंदर क्या यूज किया अपन ने, क्या यूज किया स्टूडेंट एसाइक्लोवीर, ये क्या है एक एंटीवायरल है और ड्रग ऑफ चॉइस है किस चीज के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस है एचएसवी के लिए, एचएसवी टाइप फर्स्ट इसमें देखने को मिलता है पॉजिटिव एजेंट। फिर बात करें अपन नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एनफ्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला स्टूडेंट, यदि आपको आप यदि एनफ्लेक्स पढ़ते हैं और यदि उनको क्वेश्चन आप चाहते हैं उनके क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाए उसके लिए नर्सिंग केयर पढ़ना बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले बात करें अपन च्यूइंग की, तो च्यूइंग ऑन अनअफेक्टेड साइड, पेशेंट को आपको क्या गाइड देना है
आपको बोलना है कि च्यूइंग ऑन अनअफेक्टेड साइड, इस तरह से खाएं जिस तरफ से आपका पार्ट अफेक्टेड नहीं है। यदि ये वाला पार्ट कैस में अफेक्टेड है, ये कैस का ड्रोपिंग हो रहा है, ठीक है, इस साइड से पेशेंट को क्या च्यूइंग नहीं करना है। जो अफेक्टेड है जिसे टोनिसिटी, देखो इधर स्माइल दिखाई दे रहा है इधर इसके, इट मीन्स इधर स्माइलिंग हो रही है, इट मीन्स इधर टोनिसिटी है। तो इस पार्ट से क्या है, इधर से अनअफेक्टेड पार्ट से क्या है च्यूइंग करना है। अपने को पेशेंट को बताना है कि आप अनअफेक्टेड पार्ट से च्यूइंग करें। ये क्या है, इसमें अफेक्टेड पार्ट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इमेज बेस्ड क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि आपको ये इमेज दे दिया जाएगा, इसमें पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा राइट साइड अफेक्टेड है या लेफ्ट साइड अफेक्टेड है पार्ट, तो कौन सा है इसके अंदर। यदि मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरे सामने है, ठीक है, पीछे तक, तो इसके अंदर कौन सा राइट साइड अफेक्टेड है, ठीक है। आपको क्या करके आना है एग्जाम में कि इसका कौन सा पोर्शन अफेक्टेड है, फेस का राइट साइड, और लेफ्ट साइड क्या एकदम सही है, उधर क्या देखो स्माइलिंग हो रही है, इट मीन जाइगोमेटिक मसल के अंदर टोनिसिटी है। तो इस वजह से अपने वो पेशेंट को कहना है कि आपको जिधर अनअफेक्टेड साइड है उधर से क्या है करें, च्यूइंग करें। फिर बात करें स्मॉल और फ्रीक्वेंट, स्मॉल फ्रीक्वेंट और सॉफ्ट लिक्विड डाइट में, कभी भी हार्ड डाइट नहीं ले, क्योंकि वो उसको एक ही साइड से च्यूइंग करना है, और फास्ट नहीं करें, स्लो करें, स्मॉल फ्रीक्वेंट ले, बड़ा बड़ा गासा नहीं लेना है आपको, बड़ा बड़ा उसका पार्ट नहीं लेना है फूड का। किसी भी फूड अपन खा रहे हैं, रोटी चपाती अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, खाने में, ठीक है, तो उसका छोटा पार्ट अपने को लेना है। तो इसमें लिखा हुआ है स्मॉल फ्रीक्वेंट, ठीक है, आपको एक साथ पूरी रोटी नहीं खानी है, आधी रोटी एक साथ नहीं खानी, आधी चपाती एक साथ नहीं खानी, स्मॉल फ्रीक्वेंट, ठीक है, सो फ्रीक्वेंट डाइट। और मॉइस्ट हीट हमेशा, यदि अपने को टोनिसिटी जनरेट करनी है तो मॉइस्ट हीट से क्या करना है, फेस को क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है। मॉइस्ट हीट आपने देखा होगा विंटर्स में क्या होता है, अपने झुर्रियां हो जाती है स्किन के अंदर, क्रैक होने लग जाती है फेस की, क्योंकि एयर होती है कोल्ड एयर, जब भी अपन बाहर जाते हैं तो उससे क्या हो जाती है, क्रैकिंग होने लग जाती है। और जब अपन घर पे आके क्या करते हैं, उससे वार्म वाटर से जब अपन फेस को वॉश करते हैं तो फेस क्या हो जाता है, एकदम ग्लो करने लग जाता है, और जो क्रैक्स स्किन का क्रैकिंग हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो मॉइस्ट हीट से क्या हो जाएगा, टोनिसिटी क्रिएट होगी, वहाँ ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, तो मसल के अंदर क्या होगा, एक्शन आएगा, ठीक है। फिर बात करें और क्या होगा, मॉइस्ट हीट से जो नर्व्स हैं वो भी क्या हो जाएगी, उसके अंदर भी स्टिमुलेशन आएगा। स्टूडेंट्स मॉइस्ट हीट से क्या रिलेशन है, यहाँ पे जो नर्व्स है उनके अंदर स्टिमुलेशन आएगा। और यदि अपन इलेक्ट्रिकल तरीके जो सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, करंट का यूज करते हैं, जिसके थ्रू फेशियल का मसल का स्ट्रेंथ इंक्रीज किया जाता है। और यदि अपने को वैसे करना है नॉर्मल होम रेमेडीज की अपन बात करें तो वार्म वाटर यूज कर सकते हैं। फिर बात करें जेंटल मसाज, मसाज करनी है, क्योंकि मसाज करने से क्या होता है, टोनिसिटी आती है, क्योंकि अपन कभी भी किसी पार्ट को मसाज करते हैं तो वहाँ पे क्या ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, उस पार्ट की नर्व स्टिमुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि ये बेल्स पाल्सी है, तो इधर क्या जल्द मसाज करने से क्या होगा, वहाँ पे स्टिमुलेशन आएगा। तो मॉइस्ट हीट और जेंटल मसाज करने से क्या होगा, पेशेंट के अंदर स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट होगा। और आई केयर करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई केयर करनी है अपने को। आई केयर करनी है, ठीक है, आई केयर, आई केयर करने से, यदि आई केयर नहीं करेंगे पेशेंट के अंदर तो उस वजह से क्या हो सकता है, कॉर्निया, कॉर्निया का क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है पेशेंट का। यदि आई ओपन है, यदि अपन उसका केयर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, पेशेंट की आई ओपन रहेगी तो उस वजह से क्या है, कोई भी पार्टिकल उसकी आईज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कॉर्निया डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए अपने को उसको आई का इंस्टॉलेशन भी करना है, आई ड्रॉप भी डालनी है, आई केयर भी करनी है। फिर बात करें इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को यदि वो क्या, पेशेंट को यदि अपन सही नॉलेज नहीं देंगे, एक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे रिगार्डिंग कंडीशन, यदि उसके पेशेंट, किसी पेशेंट के बेल्स पाल्सी है और यदि उसको अपन करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो क्या होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। अपन नॉर्मली लोग सब में ये चीज भी होती है, यदि किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस वजह से क्या हो सकता है, इमोशनल अपन डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है, पेशेंट को क्या बताना है, इट नॉट ए स्ट्रोक, क्या बताना है पेशेंट को, इट्स नॉट ए स्ट्रोक, कि ये स्ट्रोक वाली कंडीशन नहीं है स्टूडेंट, उसको बताना है कि ये नॉट ए स्ट्रोक, नॉट ए स्ट्रोक, इसका मतलब क्या है,
आपने देखा होगा जब भी स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक की बात करें तो अपने ब्रेन के किसी भी पार्ट के अंदर यदि हेमाटोमा बन जाए, इट मीन्स हेमरोजिक स्ट्रोक भी होता है, इस्केमिक स्ट्रोक भी अपन पढ़ते हैं, जब टाइप पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे अच्छे से कि स्ट्रोक की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उस वजह से क्या आगे की तरफ का नर्व का ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो आपने देखा होगा यदि राइट साइड में क्या हुआ, हेमाटोमा हुआ, उस वजह से क्या हुआ, लेफ्ट साइड का क्या होता है, इफेक्टेड हो जाता है, हेमी पैरालिसिस आपने देखा होगा, हेमी पैरालिसिस कंडीशन आपने पढ़ी होगी जिसमें क्या हो सकता है, हाफ हेमी पैरालिसिस, ठीक है, जिसके अंदर हाफ बॉडी क्या हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। यदि पेशेंट के राइट साइड में क्लॉट बना है तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो यदि पेशेंट क्या सोच सकता है, क्या पता पेशेंट के स्ट्रोक हुआ हो, ठीक है, यदि तो आपको क्या कहना है पेशेंट को, इट्स नॉट ए स्ट्रोक कंडीशन, ठीक है, आपको पेशेंट को ये बता देना है ताकि वो डिप्रेशन में नहीं जाए, वरना वो सोच लेगा, गलत इन्फॉर्मेशन अपने मन में सोच लेगा कि मेरे स्ट्रोक तो नहीं हो गया, ठीक है। इसलिए आपको पेशेंट को बोलना है कि ये कोई स्ट्रोक वाली कंडीशन नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एक्यूट ऑनसेट कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट 90% पॉसिबल है, इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अपने आज बात की फेशियल पैरालिसिस और बेल्स पाल्सी की। ये मोस्टली अपन बात करें तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में नहीं, मैं अपने जो स्टार्स हैं मूवीज के अंदर अपने देखते हैं जिनको, ठीक है, इसी तरह से अपन देखते हैं, एक्ट्रेस है, फॉरेन एक्ट्रेस है एंजेलिना जोली, ठीक है, उनके अंदर भी क्या है ये कंडीशन है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।